डब्बा लिया रानी का, वो डब्बा लिया, वो डब्बा लिया। चना दाल का पूरी बनाई थी अंकित ने किया है ना, पूरी खाबो में नहीं कजरी वाली ऐसे नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए हम आ गए हैं अपने खेत में और आज मैं यहाँ से लेने वाली हूँ करेमू का साग। और आज मैं साग की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना के आपको शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए अभी लाइक, क्योंकि पक्का बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते और फटाफट से मैं अपने खेतों में से साग ले लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो है हमने खेतों में करेमू लगाए थे, तो इसके बहुत अच्छे इसमें से पत्ते निकल गए हैं। तो मैं इसको इस तरह से देखिए खोट ले रही हूँ, ये ना इस तरह से साग को हम खोट लेते हैं। देखिए इस तरह से ये साग हम खोट ले रहे हैं। करेमू के साग देखिए ले लिए हैं, ये इतने साग हमने लिए हैं। तो चलिए अभी से हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए साग को हम बढ़िया से दो तीन पानी धो लेते हैं। फ्रेंड्स, साग हम धुल के रख दिए हैं और उसका पानी निथर रहा है, तब तक ये हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये हम खलबट्टे में दो मिर्च,
एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ये कट कर लेते हैं। और ये देखिए ये कुछ लहसुन की कलियां हैं, तो इसको डाल के हम बढ़िया सा कूट लेते हैं। तो चलिए इसको पहले हम कूट लेते हैं। हमें इसका एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसको दरदरा कूटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अदरक लहसुन और मिर्च को हम बढ़िया सा कूट लिए हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। देखिए एक बर्तन में हम इसे निकाल ले रहे हैं। तो ये करेमू देखिए जो हमने धुल के रखे थे, इसका पानी अच्छे से निकल गया है। तो चलिए अब इसको हम महीन महीन काट लेते हैं। इस तरह से इसको हम पकड़ेंगे और खूब महीन महीन इसको हम कट करेंगे। इस तरह से महीन महीन हम काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम साग को जो है महीन महीन कट कर लिए हैं। इसके जो ये देखिए कुछ मोटे डंठल है, तो इस डंठल को हम निकाल देंगे। और जो पत्तियां हैं, ये पूरे पत्तियों को हम काट ले रहे हैं। तो लीजिए देखिए साग एकदम से कट के तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये हम एक बर्तन में लिए हैं गेहूं का आटा। तो थोड़े से आटा जो है हम निकाल दे रहे हैं सूखा। और ये जो बाकी के बचे आटे हैं, इसमें हम ये जो हमने साग कट किए हैं ये डाल देते हैं। थोड़ा सा जीरा डालते हैं। ये जो हमने लहसुन अदरक मिर्च कूटे हैं ये सारा डाल देते हैं इसमें हम। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, ये एक बड़ा चम्मच बेसन, ये सबको डाल के और इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छे से मसल मसल के हम साग को आटे में पहले मिक्स करेंगे। तो साग को हमने अच्छे से मसल के मिक्स कर लिए हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए का हम आटा गूंथ लेते हैं। तो एक साथ में ही हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक अच्छा सा आटा गूंथेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नरम मुलायम आटा नहीं गूंथना है, थोड़ा सा टाइट ही आटा हम लगाएंगे। मतलब जैसा हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उस तरह से हमें इसका आटा लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आटा हमने एकदम बढ़िया सा गूंथ के तैयार कर लिए हैं। तो अब इसको रख देते हैं इस तरह से। और अब चलते हैं हम चूल्हे में जलाते हैं आग। तो फ्रेंड्स, हमने देखिए आग जला लिए हैं और इस पे चढ़ा दिए हैं कढ़ाई। और इसमें अब हम डालते हैं तेल। तो फ्रेंड्स, तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं इसकी कचौड़ियाँ बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने आटा गूंथ रखे हैं, तो इसमें से हम इस तरह की तोड़ेंगे लोइयाँ और फिर इसमें से हम ये छोटी छोटी लोइयाँ भी तोड़ के अलग कर लेंगे।
और फिर थोड़ा सा हल्का आटा लगाएंगे, ज़्यादा आटा नहीं लगाएंगे, हल्का आटा लगाएंगे और इसे फिर बेल के। अच्छा, यहाँ पे घी या तेल भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा आटा लगा के इसको बेल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, न ज़्यादा मोटा और न ज़्यादा पतला, इसी तरह से हमको बेल के इसको तैयार करना है। चलिए फटाफट से सभी कचौड़ियाँ बेल के हम तैयार कर लेते हैं। एक तरफ तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं इसे बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, तेल हो गया है गरम, तो इसमें हम एक एक कचौड़ियाँ इस तरह से करके डालेंगे और एकदम तेज़ आंच पे नहीं, थोड़ा मीडियम आंच पे इसको हम सेकेंगे। तो भी एक और इसमें डाल देते हैं और अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो इधर एक तरफ हमारी कचौड़ियाँ सीख रही हैं, तब तक बाकी की कचौड़ियाँ भी हम बनाते रहते हैं और इधर इसको तलते भी रहेंगे, यानी फ्राई करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी कचौड़ियाँ जो हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब इसे हम तेल से कर लेते हैं अलग। तो इसे हम कढ़ाई में साइड में लगाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा तेल है वो सब निकल जाएगा। तब तक मैं इसमें एक कचौड़ी डाल देती हूँ। तो चलिए, इसी तरह से बाकी के सभी कचौड़ियाँ हम फटाफट से कर लेते हैं फ्राई। तो फ्रेंड्स, नारी साग की ये कचौड़ियाँ हमने बना के तैयार कर लिए हैं, जो वाकई में बहुत टेस्टी है। बता दें दोस्तों, इस वक्त बारिश का सीज़न है और बारिश के सीज़न में पालक तैयार नहीं होते हैं, और ये बारिश वाली साग है जो कि पानी में ही होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, बिल्कुल पालक के जैसे। तो आप इसे एक बार इस विधि से बनाइए, ये नाश्ते में बनाइए, टिफ़िन में बनाइए और इसको चटनी अचार के साथ, दही के साथ खाइए, या आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो उम्मीद है दोस्तों, ये रेसिपी आपको हमारी जरूर पसंद आई होगी। तो फिर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त चूंकि मैं गांव में हूं, तो मैंने अपने खेतों से ये सब्जी साग ला के ये रेसिपी बनाए हैं। चूंकि अब हम गांव छोड़ चुके हैं और हम शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, तो हमारे बाकी के जो वीडियोस आते हैं वो शहर के हिसाब से आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपको गाँव की भी रेसिपियाँ देती रहूँ। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, वो हम शहर में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर दोस्तों।